तो गुरुलोक वार टीम सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड हमारे सामने है और इस एपिसोड में नेबुला के स्टोरी को एक्सप्लोर किया गया है, जहां इस अल्टरनेट रियलिटी में रोनन थैनोस को धोखा देकर उसे और गमोरा को मार देता है और नेबुला को आउटर स्पेस में मरने के लिए छोड़ देता है, बट समहाउ वो सर्वाइव कर जाती है और फिर उस पर नजर पड़ती है नोवा प्राइम की, जो नोवा कॉर्प्स की लीडर होती है और आगे चलकर नेबुला भी नोवा कॉर्प्स को ज्वाइन कर लेती है। अब देखो, नोवा कॉर्प्स का जनरली काम होता है प्लैनेट जेंडर को किसी भी तरह के थ्रेट से बचाना, और जहां आगे चलकर रोनन भी जेंडर पर हमला कर देता है और नोवा कॉर्प्स वाले के जान रहे होते कि वो रोनन और उसकी आर्मी से जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वो प्लैनेट जेंडर के चारों ओर एक सील्ड बैरियर एक्टिवेट करते हैं जिसे अगले 50 सालों तक डिसेबल नहीं किया जा सकता। और इस तरह नोवा कॉर्प्स रोनन को जेंडर पर इन्वेट करने से रोकने में सफल रहते हैं। और शायद तुम्हें याद होगा तो टोनी स्टार्क भी कुछ इसी तरह का सील्ड अर्थ के अराउंड बनाना चाहता था, पर उस समय स्टीव रॉजर्स और कई एवेंजर्स टोनी के इस फैसले के अगेंस्ट थे और इस बात को टोनी एवेंजर्स इन गेम में भी मेंशन करता है। आगे रोनन इन्वेजन रोकने के बाद जेंडर में क्राइम रेट्स काफी बढ़ जाते हैं और एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नेबुला योंडो के क्राइम सीन पर दिखती है, जहां उसे पता चलता है कि योंडो के पास सील बैरियर को डिसेबल करने का एक प्लान था। आगे एपिसोड में नेबुला ये फाइंड आउट करती है कि वह प्लान दरअसल योंडो का नहीं बल्कि नोवा प्राइम का होता है, जो कि सील बैरियर को डिसेबल करके रोनन इन्वेजन होने देना चाहती है, और ऐसा करने के लिए उसे एक सील कोड की जरूरत होगी जो एक साइबोर्ग ही ला सकता है, और इसलिए भी नोवा प्राइम नेबुला का यूज कर रही थी। पर नेबुला नोवा प्राइम के इस इंटेंशन को समझ जाती है और सील कोड को रीराइट करके रोनन और उसकी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देती है और इसके साथ एपिसोड एंड हो जाता है। वेल, व्हाट इफ के सभी एपिसोड एक दूसरे से बिल्कुल अलग स्टोरी शेयर करते हैं और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें कौन सी स्टोरी दिखाई जाएगी।